हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक यूज़ ऑफ योर टेस्ट सीरीज इन दी मोस्ट एफिशिएंट वे। दोस्तों, सेल्फ स्टडी से भी ज़्यादा, क्लासेस लगाने से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। लेट मी एक्सप्लेन। एफिशिएंट का मतलब है कम से कम टाइम का इनपुट देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको टेस्ट सीरीज से मिलता है, बट ओनली इफ यू नो हाउ टू यूज़ योर टेस्ट सीरीज। ठीक है, कई सारे लोग ये पूछते हैं क्लासेस लगाने चाहिए क्या, कौन से क्लासेस लगाने चाहिए। तो हाँ, उसका आंसर है हाँ, क्लासेस लगानी चाहिए। उसी तरह टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए क्या? हाँ, टेस्ट सीरीज भी लगानी चाहिए, लेकिन यू मस्ट नो हाउ टू मेक गुड यूज़ ऑफ इट। और कई सारे लोग ये गलती करते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ द टेस्ट सीरीज। वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज लिखी, गेट के लिए हमने ये किया वो किया, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बिकॉज दे मिस्ड वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ फीडबैक। और फीडबैक आप किन किन चीज़ों पे ले सकते हो? जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे, जब तक आप फेल नहीं होंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं पाओगे। और यही तो प्रिंसिपल है टेस्ट सीरीज का। यू आर अलाउड टू फेल इन द टेस्ट सीरीज इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल इन द एक्चुअल टेस्ट। ठीक है, तो कौन से पैरामीटर्स पे आप काम कर सकते हो फीडबैक में, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में कि कैसे आपका रैंक इम्प्रूव करना है। सो सबसे पहले मैंने बताया उस वीडियो में कि एक्यूरेसी पे आपको काम करना है, नेगेटिव कम से कम होने चाहिए। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से चीज़ें आपको जैसे पता ही नहीं, इसलिए आप पीछे पड़ रहे हो, मतलब अटेम्प्ट कम कर रहे हो। और तीसरी चीज़ है टाइम, आप कितना फास्ट कर रहे हो चीज़ें। ठीक है, तो ये सारा फीडबैक एक टेस्ट सीरीज में मिलना चाहिए। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज कौन सी है मेरे हिसाब से, कि जिसमें इनफ सब्जेक्ट टेस्ट्स है, ठीक है, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट्स है, और जिसमें आपको फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज कौन से लोगों को काम में आएगी ये भी बता देता हूँ। अगर आप रिपीटर हो, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप एमटेक कर रहे हो, फिर से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आपके लिए मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज एक बेस्ट तरीका है। मेरे लिए बहुत काम में आया था, क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज पे खेल गया था। मैं टेस्ट सीरीज करके मेरा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गया, बिकॉज आई वॉज इन टच, आई यूज टू ओवरलोड माई सेल्फ विद द टेस्ट सीरीज। लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द स्क्रैच, कई सारे लोग बोलते हैं कि एकदम से टेस्ट सीरीज मत करो। ऑब्वियसली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपने नहीं करनी है, लेकिन यू मस्ट डू दोज सब्जेक्ट टेस्ट। जो एक सब्जेक्ट आप पढ़ लिया, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया, तो उस पर एक टेस्ट है, वो आपने कर लेनी है। और ये सारा फीडबैक लूप में आपको रहना है। ठीक है, और आई एम रिकमेंडिंग टेस्ट बुक पास फॉर दैट। लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू पुट द टेस्ट बुक पास। फिलहाल मतलब काफ़ी लोग मेरे को पूछ रहे थे कौन सी टेस्ट सीरीज लगाए, क्या लगाए। आई रिकमेंड टेस्ट बुक पास बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स, मैं आपको दिखाता हूँ। इनके पास तीन मॉडल्स है बेसिकली, जैसे मंथली टेस्ट बुक पास है, ईयरली टेस्ट बुक पास है, एंड देर इज लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास, जो 3 साल के लिए है। मेरे को सबसे अच्छी यही चीज़ लगती है इनके पास कि सिर्फ गेट का नहीं है, 400+, जैसे यहाँ पे 400+ एग्जाम्स के इनके पास मॉक टेस्ट है, और ये वैलिडिटी है 2 साल, मतलब 1 साल और 3 साल। एंड आई जस्ट शो यू कि जो 499 वाला पास है, इस पर एक ऑफर भी चली, वो दिखाता हूँ। लेकिन जो अगर आपको एग्ज़ाम्स देखनी है, तो यहाँ पे नीचे एग्ज़ाम्स भी है, देखो ये SSC एग्ज़ाम्स, रेलवेज, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, प्रोफेशनल स्किल्स, आप देख सकते हो सारे टाइप की एग्ज़ाम्स आपके लिए खुल जाती है टेस्ट बुक पास की वजह से। तो इसमें गेट भी है, एंड यू कैन चूज़ ऑल दोज सब्जेक्ट टेस्ट एज वेल एंड दोज फुल लेंथ टेस्ट। तो गेट का जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह आपको दिखता है कि गेट में ऐसा ऐसा है, जैसे जिस तरह का इंटरफेस है, उसी तरह का इंटरफेस यहाँ पे रहेगा टेस्ट बुक के पास में अगर आप टेस्ट दोगे तो। उसके बाद फीडबैक भी मिलेगा, मैं आपको फीडबैक भी दिखा देता हूँ किस तरह मिलता है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे, तो एक बार आपने टेस्ट कर ली, जिन चीज़ों पे मैं बात कर रहा था बेसिकली, कि आपको एनालिसिस मिलता है, एक्चुअल सॉल्यूशंस मिलते हैं, एंड देन देयर इज अ लीडर बोर्ड, यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद ऑल द पीपल हु आर डूइंग द टेस्ट। ठीक है, इस पे मैं आता हूँ, एक कंपैरिजन आपके बहुत काम में आएगा। लेकिन वो जो 499 वाला टेस्ट बुक का पास है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली ये जो 499 का पास है, 3 साल के लिए वैलिड है। आज की कौन सी डेट है, 19 सितंबर, मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 19 सितंबर से लेके 8 दिन तक, ठीक है, आज का इंक्लूड करके 8 दिन तक एक ऑफर है कि जो भी लोग ये टेस्ट बुक पास खरीदेंगे, वो अपने आप एक लकी ड्रॉ में चले जाएंगे, और हर दिन एक विनर को चुना जाएगा, और वो विनर को एक आईपैड या फिर LED टीवी या फिर एक बाइक मिल सकती है। मेरे हिसाब से इसमें तो आईपैड काम का है और बाइक काम की है, मैं टीवी वाला ज़्यादा फैन नहीं हूँ। लेकिन इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, तो ये तो ऑफर है, इसमें कोई नहीं, यू कैन एक्चुअली बाय दिस टेस्ट बुक पास, एंड यूजिंग दिस कोड EDS10 यू विल गेट
एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ ऑफ, तो ठीक है आपको 499 का 450 में ही मिलेगा. लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन एक्चुअली पुट द कूपन. तो अगर आप खरीदना चाहते हो यू कैन जस्ट अप्लाई कूपन. यहाँ पे जैसे मैं EDS10 इनपुट करूँगा, आई अप्लाई एंड जैसे कि आप देख रहे हो पास की कीमत कम हो गई. यू कैन बाय वॉट एवर पास दैट यू वॉन्ट. ओके, तो ये है अपना पास का. अभी बेसिकली मैं जाता हूँ एनालिसिस पे, जिसपे मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा हूँ. मेरा चेहरा दिखा देता हूँ आप सबको एक बार. मैं बात करना चाहता हूँ एनालिसिस की. एक एग्ज़ाम आपने दे दी, मॉक टेस्ट दे दी या फिर सब्जेक्ट टेस्ट दे दी, आपको भी एनालिसिस पे काम करना है. किस तरह काम करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है कितने आपने एक्यूरेट किए या फिर इनकरेक्ट किए. तो सबसे पहले आपको जाओगे एक्यूरेसी में, देखोगे कितना परसेंट आपका एक्यूरेसी है, एंड देन यू विल गो टू इनकरेक्ट. अभी जो भी सवाल आपने इनकरेक्ट किए हुए हैं, ये इनकरेक्ट सवाल आप देखोगे उसकी लिस्ट बनाओगे कौन से टॉपिक्स के थे फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद खुद से फिर से वो चीज़ करने की कोशिश करोगे. जो भी आपने इनकरेक्ट किया फिर से करने की कोशिश करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता चल जाएगा सॉल्यूशन देखते हुए कि क्या आपने कॉन्सेप्ट ही तो गलत नहीं लगा दिया. अगर कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया तो भैया आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है, राइट. लेकिन कई बार अपनी गलतियाँ इस तरह नहीं होती. कॉन्सेप्ट हम सही लगाते हैं, कहीं खाला वेरिएबल मिस कर दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस या फिर जो भी चीज़ें अपन ने बात की थी, जो अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लगती है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं. और ऐसी गलतियाँ अगर आपकी है तो आपको ये नॉलेज रेइनफोर्स करना पड़ेगा. जैसे जो बेसिक जो आप ट्वेल्थ में पढ़े हो, जहाँ से आपके ऑपरेशंस या फिर कैलकुलेशंस फास्ट होते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये चीज़ जब आपने कर दी, इनकरेक्ट वाले जो चीज़ें वो पूरी करेक्ट कर ली खुद के हिसाब से, तो आपका एक बहुत बड़ा काम हो गया. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक लूप है टेस्ट सीरीज का. फेल होते रहो, बहुत सारे सवाल गलत करो, उसके बाद सही करने की कोशिश करो. देन यू हैव टू गो टू, जैसे यहाँ पे है कि आपने करेक्ट कितने किए, तो करेक्ट कितने किए, इसमें आप ये देख सकते हो आपने कुछ गलत कंसेप्ट तो नहीं लगा दिया था कहीं पे और फिर भी आपका करेक्ट हो गया. या फिर ऐसे कौन से सवाल थे कि जहाँ पे आपको डाउट था, लेकिन मतलब आपको लग रहा था यार ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन आपका सही हुआ है. यू मस्ट गो बैक टू दैट क्वेश्चन एंड सी कि आपने सही कॉन्सेप्ट लगाया था क्या. इसके लिए आप सोल्यूशन रेफर कर सकते हो. लास्टली यू वुड लाइक टू गो टू अटेम्प्टेड. तो जितना आपने नॉन अटेम्प्टेड, मतलब जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो अटेम्प्ट ना करने का रीज़न क्या था, सबसे पहले उसका टॉपिक लिस्ट आउट करो. ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो है कि आपको लगता था कि अरे ये टॉपिक तो मेरे को आता था यार, मतलब ये तो मेरे को आ जाना चाहिए. तो टेस्ट सीरीज में यही पता चलता है कि आपका पढ़ाई सही में कितना हुआ है. और ये मेरे को बहुत काम में आया था, क्योंकि जैसे मैं कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ता था, मेरे को लगा कंट्रोल सिस्टम मेरा बहुत ही तोड़ सब्जेक्ट है, मेरे को सब आता है. उस टाइम ऐसा हुआ कि ये तोड़ सब्जेक्ट होते हुए भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें गलत नहीं कर दी थी जैसे छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि ये कंट्रोल सिस्टम में है. तो इस तरह का फीडबैक आपको मिलता है. तो सबसे पहले आप इनएक्यूरेट जो किए उसमें जाके सब सही करोगे खुद के बल पे, खुद के दम पे. देन यू विल गो टू जो आपने सॉल्व किए एक्चुअली, इसमें सिर्फ देखोगे जहाँ पे डाउट था आपको, एंड देन यू विल गो टू जो आपने छोड़ दिए थे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए. इसके बाद आपको आना है टाइम पे. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एक टाइम वाला भी सेक्शन है फर्स्ट वाले पेज में. तो टाइम में आप देखोगे आपने हर जगह पे कितना टाइम स्पेंड किया. यू आर अलाउड टू कंपेयर इट विथ द टॉपर्स. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपर लोग कितना टाइम लगा रहे हैं बेसिकली. तो टॉपर्स लोगों के साथ भी आपकी कंपैरिजन होती है. अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ये टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के बारे में. मैंने जब टेस्ट सीरीज लगाई थी, मैंने मेड जी की और गेट फोरम की लगाई थी. गेट फोरम की मैंने पहले साल लगाई थी क्योंकि मैंने क्लासेस भी लगाए थे. गेट फोरम का मैंने ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कई लोग बोलते भी थे कि यार उसमें थोड़ी गलतियाँ होती है. बट आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू इट बिकॉज मेरे पास वही टेस्ट सीरीज थी, मेरे पास कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी. मैंने एस की नहीं लगाई थी और उसमें जो एनालिसिस आता था, तो जैसे इसमें भी आता है उसमें भी आता था. तो एनालिसिस का आपको एडिक्शन हो जाता है, अरे यार कल मेरा 10वां रैंक आया, आज मैं 3रा रैंक लाना चाहता हूँ. तो टेस्ट सीरीज का एडिक्शन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जब आप एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन है, फेसबुक का एडिक्शन है, इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, आप स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, व्हाट्सएप का एडिक्शन है कि हर बार देख लिया, कुछ मैसेज आया क्या, या फिर फेसबुक पे अपलोड कर दिया, कमेंट आया क्या, तो ये जो अपन वापस जाने की अपनी कोशिश रहती है, यही सेम चीज़ टेस्ट सीरीज के साथ भी होती है. और उस वजह से यू
आर वेरी मच इन टच विथ दी स्टडीज. और पढ़ाई के साथ नहीं होता, मेरे को बहुत कम ऐसे होता था कि अरे यार ये लेक्चर का एडिक्शन हो गया, बहुत कम बार टेस्ट सीरीज का. बल्कि ऐसा होता था कल मेरे को इतना इतना मार्क किया, आज तो मैं इतना स्कोर करके रहूँगा, तो ये एडिक्शन होता था क्योंकि कंपैरिजन है उसमें. एंड कंपैरिजन इज द फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिक्शन, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन, यू वॉन्ट टू गो अहेड. और वो बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं कई सारे लोग. और ये टेस्ट बुक पास का मैं कई बार बोल रहा हूँ, ये बहुत चीप है. मैंने देखे टेस्ट सीरीज, कोई 1000 की है, कोई 1500 रुपये की है, कोई 800 रुपये की है. दिस इज़ लाइक 400 प्लस एग्जाम्स, ओनली 500 रुपीज़ है. उसमें भी EDS10 कोड यूज़ करके आपको 50 रुपये ऑफ मिलेंगे. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टेस्ट सीरीज का किस तरह फीडबैक आपको लेना है. और आप कोई सी भी ईयर में हो, जो भी सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर कर लिया, उसकी सब्जेक्ट टेस्ट लिखने की आदत करो, क्योंकि टाइमली सवाल सॉल्व करने की आदत जल्दी से पढ़नी चाहिए. टेस्ट सीरीज से भी एक्वेंट होना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आप बैठे टेस्ट सीरीज करके और एकदम आपकी बेस्ट लेवल पे आप टेस्ट सीरीज करोगे, ऐसा नहीं होता. आपको पहले पहले दिक्कतें आती है कि आपको पहले पहले समझते नहीं कि टाइम कैसे चला गया, या फिर मेरे तो दो ही सवाल हुए, तीन ही हुए, जो भी है. तो फीडबैक लेने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है. तो इसलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो प्रिपरेशन भी, एंड उसके साथ टेस्ट सीरीज भी. जो मॉक टेस्ट सीरीज है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो आपकी फुल लेंथ है वो आप नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपका 50-60% भी सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है, यू कैन स्टार्ट विथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज. और अगर आपके पास और भी एग्जाम्स है गेट के अलावा, तो और ही सही चीज़ है. यू कैन प्रैक्टिस विथ लेट्स से UPSC MPSC, जो कि मैंने टेस्ट बुक पास में आपको बोला कि आपके पास वो भी सारी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, कि आप टेक्निकल बेसिस पे खुद को उसमें भी टेस्ट कर सकते हो अलग अलग जगह पे. सो यही था, ये एक सारांश है इस वीडियो का, किस तरह आपको फीडबैक लेते रहना है टेस्ट सीरीज से. एंड डोंट वरी मच अबाउट कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लगानी. आई वुड रादर से कि एक से ज़्यादा लगाओ ताकि ओवरलोड हो पाओ. और ओवरलोड होना सही चीज़ है, मतलब आपको अवेलेबल तो होना ही चाहिए. एंड इफ़ यू आर लाइक, आपने मेरे को लगता है कि बीटेक में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट, वो वाला प्रोजेक्ट, जेरोक्स में अपन 400-500 रुपये खर्च कर देते हैं, तो ये तो पास है और इसमें सारी टेस्ट सीरीज मिल रही, तो ये तो बिल्कुल खरीद लो. एंड रिमेंबर, वो जो ऑफर है वो 8 दिन के लिए, तो यू कुड गेट अ चांस टू विन समथिंग, जस्ट रिमेंबर दैट. तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हो तो मुझे नीचे लिख के बताओ, ठीक है. एंड आपको अगर कुछ सजेशन हो गेट के बारे में, आपको और कुछ जानना हो, तो मुझे बताते रहिए, बिकॉज आई हैव पुट सम कॉन्टेंट फॉर गेट एंड आई विल पुट मोर कॉन्टेंट एज वेल. बचे हुए भी कॉन्टेंट के लिए वेट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. एंड वी विल मीट यू सून विथ अनदर वीडियो. तब तक के लिए ज्ञान देते रहिए. टाटा. अभी ये